तक आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इसलिए क्या करें, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फौरी तौर पे उधर भी जब वीडियोस वगैरह अपलोड हों तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो लास्टली हम कुछ बात कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे हम वहीं से जहाँ पे बात हमने खत्म की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो लास्टली थोड़ा सा माइक आप लोगों के ऑन कर देते हैं ताकि आप यहाँ। तो हाँ जी, अब कोई भी लोग अपने माइक वगैरह ऑन कर लें। तो बात यह है कि कल वाले जो हमने मुख्तलिफ सवाल किए थे तो उसके अंदर हमारे पास है, हमने क्या कुछ पढ़ा था, तो इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन कौन करेगा? इनपुट डिवाइसेस, हाँ जी अहमद सईद, इनपुट डिवाइसेस क्या होते यस हैं? सर, इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनको हम यानी जिनके जरिए हम डेटा को इनपुट दे सकते हैं और उनके जरिए हम आउटपुट वापस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड हो गई, माउस हाँ जी, हाँ हो गया, इनको हम इनपुट दे सकते हैं। और भी हैं तो जी सर, मोस्टली माउस ये जो सारे हैं हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस स्कैनर। ठीक तो हम आते हैं मेन कल वाली बात से आगे पढ़ करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है अहमद? यस सर, हाँ जी, यस सर, तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर हमने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक मिनट, हमारे पास प्रेजेंटेशन दूसरी है, ओपन, ये डीकॉम पार्ट वन की है, उनका भी टॉपिक यही चल रहे हैं। जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों का पढ़ करते हैं और थोड़ा सा हमारे पास रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि इनपुट होती क्या है। इनपुट के बारे में कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती है वो आपके पास मेमोरी के अंदर जाती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास है इनपुट कहलाती है। तो हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी कि हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस दिखाए गए हैं, उसके अंदर आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, टच स्क्रीन है। इसके अलावा हम इसको डिटेल से आगे देखते हैं, जो चीजें हमने देख ली थी उसके लिहाज से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनपुट को रिवाइज कर लेते हैं। इनपुट असल में क्या होती है, आपके पास है कोई भी आपके पास डाटा या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्राम से या कमांड से या यूजर के रिस्पॉन्स से हम कोई भी चीज जो एंटर करते हैं वो इनपुट कहलाती है। तो असल में आपके पास क्या हो सकती है, आपने हमने बात की थी प्रोग्राम क्या हो सकता है, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है बेटा, वर्ड है, एक्सेल है, तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है। तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी प्रोग्राम्स कहलाती है। तो वो आपके पास क्या हो सकता है, इनपुट जो हमारे पास क्या हो सकती है, प्रोग्राम के जरिए भी हो सकती है। दूसरा आपके पास क्या हो सकती है, प्रोग्राम रिस्पॉन्ड टू द कमांड, जो यूजर आपने एक प्रोग्राम है आपने उसे क्या करना है, सेव करना है, या अभी मैंने फाइल ओपन करनी थी, तो वो जो यूजर का रिस्पॉन्स आया या उसकी कमांड थी वो भी क्या होगी, इनपुट होगी। या फिर यूजर की इंस्ट्रक्शंस है, मैंने यहाँ पे कहा कि इसे फुल स्क्रीन से खत्म कर दो, तो क्या हुआ, ये चीज आपकी पूरी स्क्रीन से गायब होगी। तो ये मैंने क्या की है, एक उसे कमांड दी है। तो यहाँ पे आपके पास जो ये हम्म।
जी बेटा, मेरे ख्याल से आवाज जो थी वो पहले म्यूट थी, तो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। तो हम वापस आते हैं दोबारा जो बातें हमने की हैं। तो क्विकली हमने बात की है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनपुट होती है। कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी इनपुट कहलाती है। उसके बाद हमने बात की है कि हमारे पास इनपुट, हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास क्या है, इनपुट होती क्या है। तो इनपुट क्या हो सकती है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है जो कंप्यूटर के अंदर हम इंटर करते हैं, जो या फिर कोई कमांड्स हो सकती है, या फिर यूजर का रिस्पॉन्स हो सकता है जो हम इंटर करते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या है, आपके पास एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर किस किस्म का, फिजिकल चीजें बेटा, तो जिसका आपके पास वेट हो, वॉल्यूम हो, स्पेस वगैरह ऑक्यूपाई करता हो, तो वो फिजिकल आपके पास है कंपोनेंट्स कहलाते हैं कंप्यूटर के। तो आपके पास इनपुट डिवाइस क्या है कि एक हार्डवेयर है जो हमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने की इजाजत है देता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो हम उन बटन्स के जरिए क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर हम F3 कीज दबाते हैं तो F3 का क्या मतलब है, हम सर्च करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे साइड पर आपके पास क्या है, इंटरनेट के कंट्रोल्स वगैरह है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इंटरनेट की कोई कमांड्स देना चाह रहे हैं। या फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, मीडिया कंट्रोल्स है, तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मीडिया की कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कीबोर्ड के अंदर आमतौर पर 101 से लेके स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है 101 से लेके 105 कीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके पास जो कीबोर्ड है वो कई किस्म के हो सकते हैं। तो अगर कीबोर्ड के बारे में बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है जो इसे हम इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसके हम मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। तो इसके अंदर आमतौर पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 101 से लेके 105 कीज होती हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर आपके पास राइट साइड पे देखें तो आपके पास एक कैलकुलेटर की तरह का एक हिस्सा होता है जिसके ऊपर आपके पास 1, 2, 3 लिखी होती है। तो उस हिस्से को हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं बेटा। उसके जरिए हम नंबर्स वगैरह दाखिल कर सकते हैं। अगर हमने उसे इस्तेमाल करना है तो उसके कॉर्नर के ऊपर एक बटन होगा जिसे हम न्यूमेरिक लॉक करते हैं, उसके जरिए ये काम किया जा सकता है। उसके अलावा उसके ऊपर F1, F2 के नाम से कुछ कीज लिखी होती हैं, तो वो आपके पास टोटल तादाद में क्या होती है, 12 होती है। तो F1 से लेके F12 तक, तो वो आपके पास क्या है, टोटल 12 कीज हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज होती हैं जैसे आपके पास कंट्रोल आर्ट वगैरह है। इसके अलावा नीचे हमें एरोज के निशान नजर आते हैं, उनको हम एरो कीज कहते हैं। तो आपके पास जब कीबोर्ड के अंदर बात करेंगे तो आपके पास ये बटन नजर आएंगे। तो उसके अलावा जो स्पेशल किस्म के कीबोर्ड है उसके अंदर आपके पास एप्लीकेशन कीज भी होंगी जिनके जरिए हम मुख्तलिफ कमांड्स दे सकते हैं बेटा। एक बात होती है जब हम कीबोर्ड की बात करें तो उसके अंदर बात होती है इंसर्शन पॉइंट की। तो कीबोर्ड असल में क्या है कि डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो असल में इंसर्शन पॉइंट क्या होता है कि वो जगह जहां पर आपका कर्सर नजर आ रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। अगर हम कोई डाटा प्रेस करेंगे, कोई कैरेक्टर प्रेस करेंगे, तो आपका उस जगह पर वो कैरेक्टर दाखिल होगा। अब बात आती है कि आपके पास कीबोर्ड की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आपके पास वायर्ड भी हो सकता है, आमतौर पर हम वायर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, USB पोर्ट के साथ उसे कनेक्ट करते हैं। या फिर उससे पहले हमारे पास क्या थे, दूसरे आपके जो दूसरी पोर्ट्स के ऊपर कनेक्ट होते थे वो कीबोर्ड थे, लेकिन वो स्लो होने की वजह से अब वो खत्म हो गए। अब हम क्या करते हैं, ज्यादातर USB की पोर्ट्स के ऊपर इस्तेमाल होने वाले USB कीबोर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कार्डलेस हो आपका, तो उसके लिए हमारे पास जो कार्डलेस है, तो उस कार्डलेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक ब्लूटूथ होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस ब्लूटूथ की वजह से मुख्तलिफ लोगों के साथ बगैर वायर के साथ अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, IRDA उससे कहा जाता है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कीबोर्ड भी होते हैं जो हम मोबाइल डिवाइसेस वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस वैसे ही साइज में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे हमारे पास लैपटॉप है या फिर हमारे पास दूसरे हैं, तो उसके लिहाज से आपके पास क्या होंगे, वो स्मॉलर होंगे। या फिर आपके पास मोबाइल्स होते हैं तो मोबाइल फोन के ऊपर जो आपके पास होते हैं वो भी क्या होते हैं, उससे स्मॉलर होते हैं। तो कुछ आपके पास फोन वगैरह होते हैं उनके अंदर कीबोर्ड के अंदर साथ हमारे पास क्या होती है, प्रेडिक्टिव कीज होती हैं, हम उनके जरिए क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन वगैरह
कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चंद एक कीबोर्ड्स है जो पीडीएफ वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं या दूसरे आपके पास मोबाइल वगैरह के लिए, तो आपके पास वो यहाँ पे मेंशन है। जी बेटा, अब हमारे पास अगली बात क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। हमने उसे कैटेगरीज के अंदर कल तक डिवाइड नहीं किया था, तो आज हम मजीद हम देखेंगे कि उसे किस तरीके से कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया गया। उसके अंदर हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, यूजर को आपका जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि पॉइंटर होता क्या है, कि आपके पास जब भी आप यहाँ पे आपके पास पॉइंटर असल में क्या है, एक छोटी सी सिंबल है, ये जो हम मूव करें ना एरो का निशान, ये असल में क्या है, पॉइंटर है बेटा, जिसकी लोकेशन हमारे पास या शेप को हम क्या कर सकते हैं, यूजर चेंज कर सकता है। हम जैसे कोई काम कर रहे होंगे वो क्या होगा, उसी के मुताबिक चेंज होता रहता है बेटा। अब हमारे पास माउस जो होते हैं, एक माउस जो है असल में क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसका मतलब है इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने पाम के ऊपर हाथ के ऊपर रख के हम इसे जो मूवमेंट वगैरह का काम कर सकते हैं। तो माउस जो होता है वो दो किस्म का हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ बटन जो होते हैं, उसके अंदर अगर आपके पास लेफ्ट साइड वाला जो बटन है वो लेफ्ट बटन कहलाता है, जो राइट साइड पे है वो आपके पास है राइट बटन कहलाता है, और जो दरमियान में है तो यहाँ पे इसे हम व्हील बटन कहते हैं या स्क्रोल बटन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनके जरिए मुख्तलिफ काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बारे में अभी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अच्छे किस्म के माउस अब नए आ रहे हैं उसके अंदर आपके पास क्या है, थंब बटन भी एक्स्ट्रा ऐड किए होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड माउस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, तीन बटन होते हैं। तो उसके अंदर आपके पास लेफ्ट होता है, राइट होता है और आपके पास क्या है जो व्हील होता है। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट बटन या लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना हमारे पास लेफ्ट क्लिक कहलाता है। तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा राइट क्लिक हमारे पास होता है, तो राइट बटन को एक बार प्रेस करना, तो राइट क्लिक के जरिए हम शॉर्टकट मेन्यू खोल सकते हैं। तो किसी भी जगह पर हो तो वहां पे एक लिस्ट ऑफ कमांड्स खोलनी है तो वहां पे हम राइट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक डबल क्लिक होता है, डबल क्लिक किसी भी विंडो को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो व्हील बटन है ये हमारे पास स्क्रोलिंग का काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस और भी बहुत सारे होते हैं। उसके अंदर हमारे पास जब हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास ट्रैक बॉल होता है। उसके अलावा ट्रैक बॉल क्या होता है, आपके पास एक इन्वर्टेड माउस है। उसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास वहां पे माउस के अंदर क्या होती है, हमारे पास बॉल जो होती है वो नीचे वाली साइड पर होती है, लेकिन जो आपके पास ट्रैक बॉल है उसके अंदर जो आपके पास बॉल है वो क्या होती है, ऊपर की साइड पे होती है। तो यहाँ पे असल में क्या है, ये स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइसेस है और हम क्या कर सकते हैं, उसके बॉल को मूव कर सकते हैं। टच पैड जो होता है वो आपके पास लैपटॉप्स वगैरह के अंदर होता है, तो उसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगुलर आपके पास प्रेशर सेंसिटिव प्लेट होती है, तो उसके ऊपर हम अपनी फिंगर्स को जब राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर से मोशन की कमांड दे सकते हैं। इसके नीचे बटन भी होते हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट क्लिक का काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, पॉइंटिंग स्टिक्स होती है। आपके पास यहाँ पे जी एच और बी के दरमियान आपके पास है एक स्टिक होती है, तो इससे हम लिमिटेड जो काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी प्रेशर सेंसिटिव होती है, तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट वगैरह का काम कर सकते हैं। तो ये इसकी शक्ल जो है वो रेजर की तरह होती है, जैसे ये नजर आ रही है ना, तो यहाँ पे आपके पास रेजर होती है, तो जी एच और की के दरमियान होती है, तो इसके जरिए। उसके अलावा हमारे पास टच स्क्रीन होती है, तो ये टच सेंसिटिव होती है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो आप हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की ये सरफेस दिखाई गई है जो टच के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके अलावा टच सेंसिटिव पैड्स वगैरह होते हैं जिनके जरिए हम मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे सकते हैं बेटा। अब हमारे पास क्या होती है, पेन इनपुट भी होती है। पेन इनपुट जो होती है आपके पास, हम क्या करते हैं, एक स्टाइलस को या फिर एक आपके पास स्टिक है या फिर स्टाइलस उसे कहते हैं या डिजिटल पेन कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, तो ये आदमी अपना जो भी डाटा राइट करेगा या फिर आपके मोबाइल में, तो इसके अंदर जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हैंडल इनपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आप अपने कोई भी उसके साथ पेन जो होता है उसके जरिए डाटा राइट वगैरह कर सकते हैं, मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो उसके बाद है जी हमारे पास है मजीद, हमारे पास गेम्स वगैरह के लिए हमारे पास होते हैं, तो हमें उन्हें गेम कंट्रोलर्स कहते हैं। गेम कंट्रोलर जो होते हैं वो असल में गेम्स वगैरह को बेहतर तौर पर या गेमिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो होते हैं गेम पैड्स बाज लोग इस्तेमाल करते हैं, जॉयस्टिक्स भी हैं उसके अंदर, व्हील्स भी हैं, लाइट गन्स भी बाज लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर डांस पैड होते हैं, या फिर मोशन सेंसिंग कंट्रोलर्स होते हैं उनको इस्तेमाल है करते हैं एज अ गेम कंट्रोलर। तो ये हमारे पास गेम कंट्रोलर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी गेमिंग डिवाइस के लिए इंजॉय करने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी पिक्चर हो बेटा, तो कोई पिक्चर वगैरह इनपुट लेनी है, या फिर आपने फोटो वगैरह वीडियो वगैरह, आप मेरी वीडियो वगैरह है या आप लोगों की वीडियो है, वो किसके जरिए आ रही है आपके पास है, कैमरे के जरिए। तो डिजिटल कैमरा जो होता है वो असल में क्या करता है, डिजिटली 0 और 1 के लिहाज से डाटा को लेता है और कंप्यूटर के ऊपर महफूज करता है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो है, आपके पास डिजिटल कैमरा किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इमेज को पॉइंट करते हैं, उसके बाद उसको फोकस करते हैं सीसीडी के जरिए, और सीसीडी जो है वो क्या करता है, एनालॉग शक्ल में एक इमेज जनरेट करता है, फिर उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दी जाती है एडीसी के जरिए, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, महफूज कर दिया जाता है और हमें डिस्प्ले कर दिया जाता है, और उसे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरास के लिहाज से जब हम पिक्चर्स लेते हैं तो वहां पे हमें दो फैक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन क्या होती है, आपके पास जब भी हम एक पिक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्प्ले को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तकसीम करेंगे, तो वो जो आपके पास है कितने ज्यादा पॉइंट्स के अंदर तकसीम करेंगे उतनी ही पिक्चर अच्छी होगी, जितने हम थोड़े के अंदर करेंगे उतनी ही आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। उसके अलावा नंबर ऑफ बिट्स जो है हमारे पास, हर पिक्सल के अंदर हमारे पास जो स्टोर होती है उसकी बात होती है, तो हर पिक्सल के अंदर अगर हम ज्यादा बिट्स स्टोर करेंगे तो फिर क्या होगा, डाटा का साइज तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन असल में क्या होगा, क्वालिटी उतनी ही बेहतर हो जाएगी, हम उतने ही बेहतर तौर पे अपने डाटा को महफूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद है जी हमारे पास है वॉइस इनपुट वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो माइक है तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वॉइस इनपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो उसके अलावा वॉइस रिकग्निशन होती है, तो उसके जरिए कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वॉइस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो हम वॉइस रिकग्निशन के जरिए हम कोई भी चीज कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास वॉइस इनपुट जो होती है वो कई शक्ल में हो सकती है बेटा। तो आपके पास वो स्पीच भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकती है, साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं बेटा। इसके अलावा जो वीडियो इनपुट है वो आपके पास क्या है, आपके पास दो किस्म की होती है, आपके पास इमेजेस भी होती हैं और आपके पास फुल मोशन आपके पास इमेजेस वगैरह के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे आपने जब भी आपने वीडियो वगैरह बनानी है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, डीवी कैम ले लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे और उसके बाद उसको किसमें तब्दील कर लेंगे, आपके पास एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे आप अपने कैमरे को सिस्टम यूनिट के साथ, और उसके बाद वीडियो और इमेज वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं, तो अभी 1-2 मिनट के साथ अभी आपके साथ हाजिर होते हैं, तो शायद वो भी बात करना चाह रहे हो आपके साथ, तो अगर आप उनसे कोई बात करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास। क्या पूछेंगे सर जी? जी, प्रिंसिपल साहब मैंने कहा क्या पूछेंगे जी बेटा। हाँ जी, वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी। बेटा हो रही है क्लासें? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो अपने दोस्तों को भी कहो कि वो भी इसमें ऐड होकर और अपने अपने क्लासें लें। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी। जो जो लोग इसमें ऐड हो चुके हैं ना वो अपने दोस्तों को भी बता दें, क्योंकि इधर जो क्लासरूम में क्लास होनी है वो शायद अब इम्कान नहीं है। यस सर। तो इसलिए तालीम हासिल करने से कोई बच्चा महरूम ना रहे। जी सर जी। बाकी दोस्तों को भी यही बता दें, मेहनत करें और समझे, जो चीज समझ ना आए हफ्ते में एक दिन प्रोफेसर इधर आते हैं कॉलेज में।
जो बी काम के हैं, बी काम वाले जो है वो जुमेरात वाले दिन आते हैं प्रोफेसर, और जो आई काम डी काम वाले हैं वो मंडे को आते हैं सोमवार को। यार ये जिसके पास शोर आ रहा है वो अपना ऑडियो बंद कर ले यार। बाकी सब्जेक्ट्स की कब से क्लासेस शुरू होंगी सर उसका बता दें कुछ। बाकी क्लासों का टाइम टेबल बना रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में वो भी एयर हो जाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस आपकी इज्जत नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है। और क्लासेस ना लेने की वजह से जो पनिशमेंट वगैरह है वो भी हमने इसी हाजिरी को मदद करनी है। ठीक है सर। हाँ ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जी बेटा अभी एक मिनट, एक दो मिनट आप रिलैक्स कर लें, तो अभी आपके साथ कौन भाई ये फिर रहा है यार, ये गांव में गांव दिखाई जा रहा है यार हमें, कौन है भाई ये? असीफ जट साहब है कि कर रहे हो? अल्लाह का नेक बंदा है ये यार, पानी लगा रहा है वो भाई, पानी लगा रहा है तो भाई पानी लगा रहा है तो हमें सुना दिखा थोड़ी देर बाद तू क्या कहेगा, घास भी काट रहे, घास भी दिखाएगा। हमारे चक्कर में बनने से नीचे गिर जी हमारे चक्कर में। एक आदमी तो बाइक यूज कर रहा है पीछे, अरसलान लड़का जो है भाई, वो भाई खुदा का खौफ कर क्या कर रहा है अल्लाह के बंदे। अब उसने बस वीडियो ऑन करने के लिए किया, बाकी पढ़ाई में वाह भाई, भजन में अपनी खूबसूरती शो करवा रहा है। अभी कौन सा लेक्चर हो रहा है भाई? ओह भाई अच्छा है भाई, तू एक लेक्चर का नहीं पता यार। मुंडे क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। हाँ जी बेटा, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत। तो असल में हमारी अपनी मसरूफियत की वजह से हम आपको मौका देते हैं कि हाँ जी जी आप कर लें, तो थोड़ा सा बाकी चीजें भी साथ होती हैं, तो आप लोगों का भी कसूर नहीं है। जब फारिग बैठे हैं तो कोई ना कोई बातचीत का फोरम होना चाहिए, आपको तो अपने ग्रुप वगैरह बना लें। बेटा हसीब, हाँ जी पानी लगाने जा रहे हैं बेटा? जी सर जी। हाँ तो ये साथ साथ पानी लगा रहा हूँ सर जी। अच्छा, वो ये पढ़ाई की तरफ हम आते हैं तो इधर भी थोड़ा सा ध्यान, ये ना हो कि नाका तोड़ते हुए यहाँ पे आपका ध्यान खत्म हो जाए, तो बाकी पढ़ाई आपकी ये नहीं गिरता। मैंने बोला है सर, मैं क्या खुद ही ना गिर जी इस चक्कर में? नहीं बेटा, कोशिश करें, सारे काम आपके साथ हैं, वालदैन वगैरह का जब आपके साथ होते हैं तो आपको उनके साथ हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को। अच्छा सर, अब साल तो चल ही रही है, ये बेटा ये चैलेंज है वक्त का सर, ये बता दें कि चलें जी मैं थोड़ा सा म्यूट करके अपनी बात ये बता दें क्लास का क्या स्टाइल। हमारे पास 4 मिनट और 12 सेकंड्स हैं, तो उसके अंदर अंदर हम आपसे भी बात करते हैं और अपने कोशिश करते हैं खत्म करने की। बेटा आखिरी 1 मिनट आपसे बातें करने का है, तो इंशाल्लाह तआला वहां पे आपके साथ बातचीत होगी। बेटा हम बात कर रहे थे वीडियो इनपुट की, तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, डीवी कैम के जरिए अपने इनपुट लेते हैं और उसे सिग्नल्स वगैरह के जरिए स्टोर करते हैं,
उसके बाद जब कंप्यूटर के अंदर उसे रखना है तो उसके हम क्या करते हैं, यूएसबी पोर्ट वगैरह के साथ उसे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और जो वीडियो या इमेजेस होती है उसे कंप्यूटर के ऊपर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस तरीके से ये कैमरा लगा हुआ है तो उसको कैमरे को वायर के जरिए वो तस्वीरें हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर ला भी सकते हैं, उसको जैसे प्रोसेस करनी है, एडिटिंग करनी है, अपडेट वगैरह करनी है तो हम उसके ऊपर कर सकते हैं बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पे वेबकैम की, तो वेबकैम जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे लेक्चर वगैरह के लिए। तो वेबकैम जो है असल में क्या है, आपके पास डिजिटल वीडियो कैमरा है जो यूजर को काबिल करता है कि वो क्या कर सकता है इंटरनेट के जरिए कोई भी आपने वीडियो कैप्चर करनी है तो जिस तरीके से हम लेक्चर के अंदर कर रहे हैं तो वीडियो को कैप्चर करने के लिए, या स्टिल इमेजेस वगैरह लेनी है तो उसके जरिए हम स्टिल इमेजेस ले सकते हैं। फिर हम वो जो पिक्चर्स वगैरह हैं उनको हम क्या कर सकते हैं अटैचमेंट के तौर पर ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर ब्रॉडकास्ट करना हो इंटरनेट के ऊपर तो वो ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं तो ये असल में क्या है, एक ब्रॉडकास्ट है बेटा। तो अगर हमने वीडियो कॉल्स वगैरह करनी है तो हम वीडियो कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास इनपुट डिवाइसेज। अब हमारे पास अगली बात क्या है कि स्कैनर, स्कैनर जो होते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेज होते हैं। तो आपके पास जो स्कैनर्स हैं वो तीन किस्म के हैं, उसके अंदर फ्लैट बेड है, आपके पास पैन बेस या हैंडल्स होते हैं, या फिर शीट फेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास, जब आपके पास स्कैनर होते हैं किस तरीके से काम करता है। तो फ्लैट बेड स्कैनर जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर या फिर हमारे पास क्या है कोई भी डॉक्यूमेंट होगी उसे हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए उसे प्रोसेस करके उसे तस्वीर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और वहां पे हम उसे महफूज कर सकते हैं बेटा। उसके बाद अगली बार क्या है हमारे पास, कुछ आपके पास ऐसे स्कैनर्स होते हैं जो आपके पास जो टेक्स्ट हमने वहां पे लिखा है उसको रीड कर सकते हैं, तो उन्हें हम OCR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। तो उसके अंदर हमारे पास जो खास किस्म की आपके पास राइटिंग है या हैंड राइटिंग है उसको वो क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें से वो क्या करेंगे, एक डाटा वगैरह जो आपके पास टेक्स्ट की शक्ल में लिखा हुआ है तो उसको रीड कर लेंगे और उसके बाद हमें मजीद उसके ऊपर काम करने की सलाहियत दे देंगे बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आपके बाद में लेते हैं तो थोड़ा सा बात कर लें। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR जो होता है आपके पास जब हम टेस्ट देते हैं बेटा तो टेस्ट के अंदर आपने चॉइसेस करनी होती हैं A, B, C। तो यहाँ पे मार्क सर्कल्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन ये इतना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अगर आपके पास शीट की जगह थोड़ी सी चेंज हो जाए तो फिर क्या होता है आपके पास चांसेस होते हैं गलत होने के। उसके बाद बार कोड रीडर होता है, तो आपके पास बार कोड असल में क्या होता है कई किस्म के होते हैं बेटा, वर्टिकल ज़ेब्रा लाइंस के लिहाज से भी, अब वर्टिकल ज़ेब्रा लाइन के अलावा हमारे पास दूसरे बार कोड भी आ गए, वो क्या कर सकते हैं उन बार कोड को रीड कर सकते हैं और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा तो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें दी होती हैं, तो वो असल में क्या होती हैं हमारे पास बार कोड ही होती हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं वो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास बाज ऐसे होते हैं कि RFID रीडर्स होते हैं बेटा, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जगह पे दुकान वगैरह के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं तो उनके साथ एक छोटी सी चीज ब्लैक सी आपने देखने के वो लगी होती है बेटा, तो वो जो आपके पास है चीज है जो वहां पे लगी होती है बेटा तो उसे हम RFID कहते हैं बेटा। तो वो क्या करती है, हमें बताती है कि आपका कोई भी चीज जो हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं स्टोर से बाहर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी लोकेशन वगैरह के लिए।